एरुआवी चलो चलो कहानी सुनने चले सब तैयार एक दो तीन आपको याद होगा श्रृंगेरी श्रीनिवास को सालाना बाल कटाई दिवस पर अपने बाल कटवाने में कितनी परेशानी हुई थी। फिर केले ही केले उग आए थे उसके खेत में, तो श्रृंगेरी ने मज़ेदार हलवा बना डाला केलों का और बन गई थी कहानी केलों की। और फिर उस दिन कितना शोर था राजमार्ग पर गाड़ियों का जब श्रृंगेरी पशु मेले को जा रहा था। अब की बार श्रृंगेरी श्रीनिवास को गुस्सा आ गया है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, हद से ज़्यादा गुस्सा। अब क्या होगा? सुनते हैं कहानी श्रृंगेरी श्रीनिवास ने हंसना सीखा। ओरिजिनल स्टोरी श्रृंगेरी श्रीनिवास लर्न्स टू लाफ बाय रोहिणी निलेकनी, हिंदी में अनुवाद राजेश खर, चित्रांकन एंगी और उपेश, प्रकाशन प्रथम बुक्स। कहानी सुना रही है असावरी दोषी। ऐसी बहुत सारी कहानी आर्टिकल्स और बुक रिकमेंडेशंस सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा www.books-that-speak.com। चलिए मिलते हैं श्रृंगेरी श्रीनिवास से। श्रृंगेरी श्रीनिवास एक अच्छा किसान था। वो बेहतरीन केले उगाता था जिससे बड़ा अच्छा केले का हलवा बनता था। लेकिन उसके तेवर बड़े डरावने थे। जब वो गुस्से में होता उसका माथा गहरी लकीरों से भर जाता, उसकी नाक लाल हो जाती, उसकी आंखें सिकुड़कर पैनी हो जाती। जब श्रृंगेरी श्रीनिवास को गुस्सा आता तब सब उससे दूर भागते, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके दोस्त सभी छुपने की कोशिश करते, उसकी गायें और कुत्ते भी भाग खड़े होते। जब श्रृंगेरी गुस्से में होता तो खेत से कौवे भी उड़ जाते थे। श्रृंगेरी श्रीनिवास अक्सर गुस्से में होता था। उसे गुस्सा आता अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो, अगर नाई के पास उसके लंबे बाल काटने का समय ना हो तो, जब टीवी ठीक से ना चले तो, वगैरह वगैरह वगैरह। एक दिन श्रृंगेरी श्रीनिवास खेत में अपने केलों की फसल को देखने निकला। पहले से ही वो कुछ उखड़ा हुआ सा था। क्यों? कौन जाने क्यों? वो तेजी से सबसे बड़े केले के पेड़ के पास पहुंचा। सुंदर केलों का बड़ा गुच्छा लटक रहा था। बस थोड़े दिनों में वो इनसे अपना मशहूर हलवा बनाएगा। उसके तेवर बदले, वो मुस्कुराने लगा। तभी पास के पेड़ से बंदरों का एक झुंड झूलता लटकता वहां पहुंचा। लाल कूल्हों वाला सबसे बड़ा बंदर ठीक उसी केले के पेड़ पर आकूदा जिसे श्रृंगेरी श्रीनिवास निहार रहा था। उसे फिर गुस्सा आया, उसकी भवें सिकुड़ती गई। इतना गुस्सा पहले कभी नहीं आया था। सिर से पांव तक गुस्से से भर गया श्रृंगेरी। वो बंदर जो खुद भी काफी गुस्सैल था हैरान हो गया। उसने कभी गुस्से का ऐसा रूप नहीं देखा था। उसके पंजे से एक आधा छीला केला छूटकर गिर गया। फिर कुछ और केले गिरे। उसने बगल वाले पेड़ पर छलांग लगाई, वहां से अगले पेड़ पर छलांग लगाई। इस तरह वो उस गुस्सैल चेहरे से बचना चाहता था। श्रृंगेरी श्रीनिवास ने उसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे लगाते हुए देखा। वो बंदर के पीछे भागा। उसे बंदर को मजा चखाना था। रास्ते में केले के छिलके पर वो फिसल गया। फंस करके श्रृंगेरी नीचे गिरा। उसकी चप्पल कीचड़ में धस गई। श्रृंगेरी श्रीनिवास उठ खड़ा हुआ और फिर बंदर के पीछे भागा। सर से फिर फिसला। अब की बार मुंह के बल गिरा।
किसी तरह से वो उठकर बैठा। उसका चेहरा पत्तों और कीचड़ से सना हुआ था। अब जब तक उसने ऊपर को देखा, बंदर भाग चुके थे। श्रृंगेरी श्रीनिवास ने अपनी ओर देखा। उसका कुर्ता मिट्टी से सना हुआ था। उसके हाथ कीचड़ से भरे हुए थे और उन पर खरोचे भी लग गई थी। वो पूरा कीचड़ से लथपथ था। अचानक उसने पाया कि वो बड़ा अजीब दिख रहा था। मशहूर किसान श्रृंगेरी श्रीनिवास अब अकेले यहाँ पत्तों के ढेर पर केलों और कीचड़ की होली खेल रहा था। क्या मज़ेदार नज़ारा था। और श्रृंगेरी को हंसी आ गई। पहले वो धीमे से हंसा, फिर जोर से खुलकर। जितना वो हंसता उतना ही और हंसना चाहता। उसकी हंसी बढ़ती गई और बड़ी और ज्यादा बड़ी। उसने हंसते हंसते पेट पकड़ लिया। वो कीचड़ में लोट पोट हो गया। हाय हाय, आंखों से आंसू निकल आए। उसकी हंसी इतनी मीठी थी कि आसपास के पक्षी सुनने आ गए। हंसी इतनी जोर की थी कि बंदर सुनने लौट आए। हंसी इतनी मज़ेदार थी कि बहुत से बच्चे वहाँ आ पहुँचे। हंसी ऐसी थी कि उसका पूरा परिवार भी सुनने के लिए इकट्ठा हो गया। श्रृंगेरी श्रीनिवास इतना हंसा कि सब हंसने लगे। पक्षी चहचहाए, कौवे काव काव करने लगे, बंदरों ने शोर मचाया, बच्चों की हंसी फूट पड़ी, केले के पेड़ लहलहाने लगे, दुकान में बैठा नाई मुस्काया, दर्जी हंस पड़ा, यहाँ तक कि दूर गुफा में सोए हुए बाघ की भी बाछे खिलाई। अचानक श्रृंगेरी का हंसना थमा। उसके आसपास हर कोई खुश दिख रहा था। हर चीज खुश नजर आ रही थी। वो भी खुश था। आओ घर चलते हैं, उसने कहा और अपने बच्चों का हाथ थामा। श्रृंगेरी श्रीनिवास को अब भी कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन अब उसे हंसना अच्छा लगता है और उसकी मुस्कान शहर में सबसे बड़ी मुस्कान होती है। कहानी खत्म। मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ, तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी।